गार्डन्स बन रहे हैं तो आप घर पे फोन छोड़ के आप बाहर जाइए, गार्डन्स और पार्क्स एंजॉय कीजिए। आई नो गूगल से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, बट कभी कभी आप फोन बंद करके यू गो आउट टू गार्डन्स एंड पार्क्स, आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर मोर इन लाइफ। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड द मेन थिंग टू लिव नाउ इज एयर। इफ यू आर गोइंग टू इनहेल टॉक्सिक स्मोकी एयर, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनीवन्स लंग्स। आई डोंट नो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ महीने पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो पूरी दुनिया जानते हैं, उनको बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, उन्होंने वर्सोवा का जो बॉम्बे बीच है वो एक वीडियो अपलोड किया था कि ये दुनिया में सबसे गंदा बीच है, इट्स लाइक द डर्टीएस्ट एंड फिल्थीएस्ट ऑफ ऑल द बीचेस। एज एन इंडियन मेरा सर शर्म से झुक गया था कि हमारा देश यू नो ऐसे कारणों की वजह से जाना जा रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इनफैक्ट इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज लोगों को ये बताने के लिए कि आप प्लीज़ हमारे पर्यावरण को, जैसे हमारे घर को साफ रखते हैं वैसे हमारे पर्यावरण को साफ रखिए, और जितना हो सके पेड़ झाड़ ये सब उगाइए, बिकॉज वी नीड इट। ऐसे नहीं होना चाहिए दैट फ्यू जनरेशंस डाउन द लाइन वी डोंट नो व्हाट फ्रेश एयर इज। आज का आज जब हम अब्रॉड जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लेंलीनेस, सो वी शुड ट्राई एंड मेक आर कंट्री ग्रीन एंड क्लीन। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे सैंटा क्रूज का जो दौलत पार्क है, यहाँ पे फाउंटेन्स होंगे, पार्क्स होंगे, सुंदर पेड़ पौधे फूल होंगे, एंड देयर विल बी प्लेस टू वॉक एंड सिट डाउन। सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, जो सारे लोग जो पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, अप्रिशिएट करिए, इन्हें साफ रखिएगा, और अपने तरफ से भी आप जो छोटा सा भी कहीं पौधा भी उगा सकते हैं तो प्लीज़ उगाइए, बिकॉज इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प आर फ्यूचर जनरेशन, इट विल हेल्प आर कंट्री। आई थिंक एवरी पर्सन शुड डू दिस इनिशिएटिव। जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, इतनी गंदगी कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत दो मिनट लगता है आपके एक दिन का, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो एवरी इंडिविजुअल शुड लाइक यू नो टेक केयर ऑफ क्लेनलीनेस। या